नमस्कार दोस्तों, शुरू करेंगे आज का प्लान। आज का प्लान है 26 × 33 यानी कि 858 स्क्वायर फीट का एरिया आज हम डिज़ाइन करेंगे, जिसका जो चौड़ाई का जो सेक्शन है आपका रहेगा 26 फीट का एंड जो लेंथ साइड है आपका वो आपका रहेगा 33। ये आपका लेंथ साइड है, आपका 33 फीट का रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले इसके मेन गेट सेक्शन की। तो आपका ये ब्लैक जो ड्रॉ किया गया है ये आपका आएगा मेन गेट का सेक्शन। इसका जो ओपनिंग एरिया है वो मैं आपको अभी नोट करा दूंगा। इसके बाद हम पहले बात करेंगे इसमें इसके कॉलम के सेक्शन की। तो आपका ये कॉलम के सेक्शन हो जाएंगे। ये आपका कॉलम, ये आपका कॉलम का सेक्शन, ये भी आपका कॉलम, ये आपके साइड जो बॉल रहेगी उसमें कॉलम के सेक्शन रहेंगे। ये आपका लास्ट बॉल रहेगा उसमें कॉलम का सेक्शन। आप चाहें तो बीच में भी कॉलम प्रोवाइड करा सकते हैं। ये आपके कॉलम के सेक्शन हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके डोर सेक्शन की। तो आपका ये लास्ट रूम में डोर का सेक्शन, डोर, ये आपका डोर, ये किचन के सेक्शन का डोर, ये आपका स्टोर रूम का डोर हो जाएगा। इधर आपका ये लेट बाथ, अटैच लेट बाथ का डोर, ये आपका मेन गेट का सेक्शन रहेगा एंड ये आपका ड्राइंग सेक्शन रहेगा जिसका डोर दिस साइड, ये आपका ड्राइंग सेक्शन का डोर। तो ये आपके डोर के सेक्शन होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें विंडो के सेक्शन की। तो आपका एक विंडो आपका ये प्रोवाइड किया जाएगा जो कि ड्राइंग सेक्शन के साइड में रहेगा। एक विंडो आपका ये रहेगा, सेकंड विंडो आपका ये, उसके बाद आपका ये विंडो ये प्रोवाइड किया जाएगा जो कि किचन के सेक्शन पर रहेगा। इनको नोट कर देता हूँ मैं आपको। ये आपका विंडो, इधर आपका विंडो आ जाएगा, ये आपका विंडो का सेक्शन आ जाएगा। इसके बाद हम इसके एरिया की बात करेंगे। तो ये आपका बेडरूम, सेकंड वन बेडरूम आपका दिस साइड, ये आपका बेडरूम, ये किचन का सेक्शन मैंने के में डिनोट किया है। ये आपका वेटिंग रूम, या आप इसको कार पार्क एरिया भी कह सकते हैं। ये आपका आएगा ड्राइंग ड्राइंग रूम, या फिर आप इसको लिविंग सेक्शन भी कहते हैं। ये आपके इसके एरिया होते हैं। इसके बाद हम स्टेयर का केस आपका डिजाइन कर देते हैं। ये आपके स्टेयर केस, ये आपका स्टेयर का केस हो जाएगा जिस साइड, थ्री राउंड में आपका स्टेयर प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद ये आपका ओपन स्पेस, ओपन स्पेस के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि आप इसको डाइनिंग के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका लेट प्लस वॉक का सेक्शन, ये आपका स्टोर रूम। इसके बाद हम इसके एरिया की बात करें तो आपका बेडरूम से शुरू करते हैं। बेडरूम का लेंथ आपका ये साइड आपका आ जाएगा 9 feet 3 inches का एंड दिस साइड जो आपका विड्थ का सेक्शन रहेगा 12 feet 1 inch का सेक्शन। इधर भी आपका 12 feet 1 inch का सेक्शन आ जाएगा और जो लेंथ की साइड है वो आपका रहेगा 9 feet 3 inch का सेक्शन। ये आपका बेडरूम का सेक्शन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके किचन के सेक्शन की, जिसकी जो आपकी ये विड्थ का सेक्शन है ये आपका 7 feet 3 inch का सेक्शन रहेगा और जो लेंथ का सेक्शन है आपका 5 feet 6 inch का सेक्शन आपका लेंथ का रहेगा। स्टेयर के केस की आपकी बात करें तो ये आपका जो लेंथ है ये आपका आएगा 10 feet का, 10 feet का ये लेंथ रहेगा आपका। उसके बाद दिस साइड ये एरिया आपका रहेगा 5 feet 3 inch का एंड ये सेक्शन आपका स्टेयर का आ जाएगा 9 feet 3 inch का। ये आपकी तीन शेप में आपका स्टेयर रहेगा। दिस साइड से हम बात करें तो ये आपका अप सेक्शन रहेगा, यहाँ से हम चढ़ेंगे, ये आपका अप सेक्शन का दिस साइड डायरेक्शन रहेगा। बात करेंगे ड्राइंग सेक्शन की। तो आपका ड्राइंग सेक्शन का जो लेंथ है वो आपका आ जाएगा 11 feet 1 inch का एंड दिस साइड 10 feet 11 inch का सेक्शन आएगा। वेटिंग एरिया या फोर्थ सेक्शन की या कार पार्किंग की हम बात करते हैं तो आपका ये जो लेंथ है ये आपका रहेगा
ऑलमोस्ट 10 फीट, एंड इसका लेंथ आपका आ जाएगा 11 फीट 13 इंच का। ये वाला एरिया मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ये वाला एरिया आपको आ जाएगा 11 फीट 3 इंच का, 11 फीट 3 इंच का ये सेक्शन रहेगा लेंथ का, ये सेक्शन आपका रहेगा 10 फीट का। अब आपका आपका बचता है लेडबाग का सेक्शन, जिसका ये एरिया 6 फीट 11 इंच का रहेगा, एंड दिस साइड 6 फीट 1 इंच का सेक्शन आपका ये विड्थ का रहेगा। स्टोर रूम का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये आपका रहेगा लेंथ में 3 फीट 8 इंच का सेक्शन, और इस साइड आपका रहेगा 5 फीट 1 इंच का सेक्शन। ये आपका स्टोर रूम का सेक्शन होता है। ओपन स्पेस जो आपका बचेगा, या आपको उसको आप डाइनिंग के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, तो आपका इसका लेंथ रहेगा ऑलमोस्ट 10 फीट के समथिंग, या 10 फीट आपका इसका लेंथ सेक्शन रहेगा, जहाँ पे आप डाइनिंग के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो एरिया रहेगा, यहाँ पे आप वेंटिलेशन के तौर पे एक ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका वेंटिलेशन हो जाएगा। तो ये आपका आज का प्लान होता है, इसमें मेन गेट का सेक्शन ये आपका बचता है, इसमें साइड तो आपका दिस साइड नॉर्थ का सेक्शन, एंड दिस साइड साउथ, ये आपका साउथ का सेक्शन आ जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ फेसिंग आपका प्लान रहेगा। बात करेंगे इसके बिल्डिंग कॉस्ट की, तो आपका बिल्डिंग कॉस्ट तो आपका रहेगा 8 से 10 लाख आपका इसमें बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो ये आपका आज का प्लान होता है। अगर आप ऐसा ही और कोई प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।